Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel. So guys, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पीरियड डिस्चार्ज एंड अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज में, क्योंकि काफ़ी फीमेल्स इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती हैं. उन्हें समझ नहीं आता जो पीरियड डेट से पहले उन्हें डिस्चार्ज हो रहा है, ये पीरियड आने का डिस्चार्ज है या अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम है. एंड ज़्यादातर देखा गया है गाइज, जो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं उन्हें अर्ली प्रेगनेंसी में वजाइना के थ्रू डिस्चार्ज निकलता है. वो डिस्चार्ज किस तरीके का होता है, क्यों निकलता है, कब निकलता है और कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पीरियड डिस्चार्ज एंड अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज में, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ. ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और जानना चाहते हैं पहले ही कि आप प्रेगनेंट हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं, तो ये वीडियो बहुत काम का भी होने वाला है आपके लिए. तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा. अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दें. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें. बगल में ही बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोज़ के अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके. सो गाइज़, देखिए, फीमेल की वजाइना से डिस्चार्ज निकलना बहुत ही नॉर्मल सी बात है. हर एक फीमेल की वजाइना से डिस्चार्ज निकलता है पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, जो अलग अलग तरीके का होता है. एंड वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू फीमेल को ओवुलेशन का पता चलता है. ये पता चलता है कि फीमेल की पीरियड आने वाली है. वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू फीमेल अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकती है. वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू फीमेल को इन्फेक्शन का भी पता चलता है. ये सब चीज़ें तभी आपको पता चल सकती हैं गाइस, जब आपको पता है कि पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो वजाइना से डिस्चार्ज निकल रहा है उसकी कंसिस्टेंसी, अमाउंट एंड थिकनेस क्या रहती है. इन तीन फैक्टर के बेसिस पे आप आसानी से वजाइनल डिस्चार्ज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इस वीडियो में तो मैं आपको पीरियड डिस्चार्ज एंड अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज के डिफरेंस के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत जल्दी यानी पीरियड डेट से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बट गाइस, उसे जाने से पहले आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि डिस्चार्ज होता क्या है, निकलता क्यों है, जिससे आसानी से आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो गाइज़, देखिए, डिस्चार्ज एक फ्लूइड है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जो फीमेल की वजाइना से आउट होता है पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अलग अलग तरीके का. एंड ये निकलता इसलिए है गाइज़, देखिए, डिस्चार्ज में एक तो फ्लूइड होता है, एक डेड सेल्स होते हैं, एंड ये फीमेल की वजाइना को क्लीन रखते हैं, फीमेल की वजाइना में इन्फेक्शन होने से रोकते हैं. साथ में गाइज, अगर ओवुलेशन के टाइम डिस्चार्ज सही तरीके का निकलेगा, यानी उसकी कंसिस्टेंसी, अमाउंट, थिकनेस सही तरीके की रहेगी, तो ये डिस्चार्ज स्पर्म को हेल्प भी करता है, सपोर्ट भी करता है, नरिश भी करता है, जिससे स्पर्म इजीली फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और फैलोपियन ट्यूब में एग को फर्टिलाइज कर देता है. वजाइनल डिस्चार्ज फीमेल की वजाइना को ल्यूब्रिकेट भी करता है, जिससे फीमेल की वजाइना क्लीन रहती है. साथ में वजाइनल डिस्चार्ज फीमेल की वजाइना के पीएच को भी मेंटेन रखता है. तो गाइस, देखिए, अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो वजाइनल डिस्चार्ज पीरियड डेट से पहले पीरियड आने का साइन है वो किस तरीके का डिस्चार्ज होता है. देखिए गाइस, जब फीमेल की पीरियड आने वाली होती है उससे पहले कुछ फीमेल्स में वजाइना से डिस्चार्ज निकलता है, कुछ फीमेल्स में नहीं निकलता है और कुछ फीमेल्स में निकलता है. जिन फीमेल्स का निकलता है उन फीमेल्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज है या पीरियड आने का डिस्चार्ज है. तो गाइस, देखिए, जो पीरियड आने का डिस्चार्ज होता है वो फीमेल का पीरियड डेट से 4-5 दिन पहले निकल सकता है. ये डिस्चार्ज वाइट, थिक एंड क्रीमी हो सकता है और आपकी पैंटी में ये ड्राई होगा, वेट बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी गीला बिल्कुल भी नहीं होगा. गाइस, ये डिस्चार्ज दर्शाता है कि फीमेल के पीरियड आने वाले हैं. एंड गाइस, ये डिस्चार्ज निकलता इसलिए है क्योंकि ओवुलेशन के बाद फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन काम कर रहा होता है. एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से कुछ फीमेल में वजाइना से डिस्चार्ज निकलता है, यानी पीरियड डेट से पहले. अब मैं बात करती हूँ अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज की. ये अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज गाइज ज़्यादातर फीमेल में, आप बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ दी फीमेल्स में ये डिस्चार्ज निकलता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, पीरियड डेट से पहले ही निकलना शुरू हो जाता है. लाइक जब फीमेल को 1-2 हफ्ता होता है तब से ही निकलना शुरू होता है, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है इसलिए फीमेल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती. और जैसे ही टाइम बढ़ता रहता है तो फीमेल की वजाइना से जो डिस्चार्ज निकलता है प्रेगनेंसी में वो इंक्रीज़ भी होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज की. तो गाइस, देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी का जो डिस्चार्ज होता है वो पतला होता है, हल्का सा स्ट्रेच करेगा, मिल्की वाइट होता है कलर, येलो भी हो सकता है और पेल ही
हो सकता है जो दर्शाता है अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आपका निकल रहा है पीरियड डेट से पहले, और ये आपकी पैंटी में आपको हर टाइम गीला गीला सा लगेगा और ड्राई बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लगता गाइस, ये दर्शाता है अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आपका निकल रहा है तो ये दर्शाता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए। ये डिस्चार्ज निकलता क्यों है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए प्रेगनेंसी में फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वजाइना से डिस्चार्ज निकलता है, और साथ में प्रेग्नेंट होने में फीमेल की बॉडी में ब्लड फ्लो 40% इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से फीमेल की वजाइना से डिस्चार्ज निकलता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ता जाता है, कई फीमेल्स में बढ़ता है और कई फीमेल्स में नहीं बढ़ता है। अगर ये डिस्चार्ज आपका बढ़ रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है गाइस, ये नॉर्मल सी बात है। और साथ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल की वजाइनल की जो वॉल्स होती हैं वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से जो फीमेल की वजाइना से डिस्चार्ज निकलता है वो ज़्यादा निकलता है और इस टाइम फीमेल की पैंटी में फीमेल को गीला गीला सा फील होता है। इस तरीके का फीमेल को डिस्चार्ज तब निकलता है जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी होती हैं। तो गाइज़ ये दोनों में डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है, ये भी समझा दिया है क्यों निकलता है। अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आपका निकलता है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं पीरियड का डिस्चार्ज है या अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है। एंड यही है आज का वीडियो गाइज, होप करती हूँ इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।